फोर्थ क्लास हाउ आर यू आई होप यू आर एल फाइन फोर्थ क्लास बेटा हम यूनिट नंबर टू की रीडिंग कर रहे हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन प्लांट्स ठीक है प्रीवियस लेक्चर्स uh, uh, में हम ऑर्गन्स uh, के बारे में ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके हैं और स्केलेटन के बारे में पढ़ चुके हैं कुछ एम्फीबियंस और कुछ जो है वो मसल्स के बारे में हर चीज के बारे में पढ़ चुके हैं ऑर्गन्स के बारे में अब हम स्टार्ट करेंगे मूवमेंट इन प्लांट्स प्लांट्स आर लिविंग थिंग प्लांट्स भी वगैरह लिविंग थिंग है यानी जिंदा जानदार चीजें हैं दे कैन मूव ये मूव भी कर सकते हैं बट दे मूवमेंट आर वेरी स्लो लेकिन इनकी जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है दे कैन नॉट मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर ऑन ऑन देअर ऑन या अपनी आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो uh, ट्रेवल नहीं कर सकते मूव नहीं कर सकते समटाइन ही प्लान्टैट लिव इन वाटर कैन मूव बाय दैम सेल्व कुछ छोटे जो प्लांट्स हैं वो कह रहा है कि वो अपनी अपनी मदद आप जो है वो पानी में आगे अग, जो है वो जा सकते हैं दे हैव एन आई स्पोर्ट विच हेल्प दैम मूव टू वर्ड और वे अवे फ्रॉम द सन लाइट उनके ऊपर एक आई स्पॉट यानी एक आंख छोटी सी बनी होती है जिसकी मदद से वो आ, जो है वो सनलाइट की तरफ और सन लाइट से दूर जो है वो मूव कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है? है हमारे पास uh, दे मूव बाय स्विमिंग वो स्विम करके भी मूव कर सकते हैं यूजिंग हेयरलाइट स्ट्रक्चर कार फ्लैजलम वो अपनी जो है वो कुछ हेयर लाइट स्ट्रक्चर जैसे आपको जो है वो फ्लैजलम जिसको कहते हैं उसको यूज़ करते हुए स्विम करते हुए वो पानी से पानी में मूव कर सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स आर यूगलेना एंड क्लै क्लेमाडोमस प्लाट्स नीड लाइट टू मेक दर फूड ये दो जो है यूगलेना एंड क्लेमाडोमनस जो है वो उसकी uh, फ्लैजलम की एग्जाम्पल्स हैं और वहाँ यहाँ पर वो कह रहा है कि प्लांट्स नीड लाइट टू मेक देर फूड और प्लांट्स को आपको पता है कि लाइट की जरूरत होती है अपना खुराग, अपनी खुराक तैयार करने के लिए द फूड ऑफ ए प्लांट इज मेड इन द लीव और जो प्लांट का फूड होता है वो कहां पर बनता है लीव्स में द स्टेम ऑफ ए प्लांट ग्रोज टू वर्ड द लाइट एंड द लीव टर्न टू फेस द लाइट कह रहे हैं कि जो स्टेम होती है किसी भी प्लांट की वो ग्रो करती है टू वर्ड द लाइट लाइट की तरफ एंड लीव टर्न टू द फ़ेस द लाइट और लीवस जो हैं वो उसकी उसको फेस करते हैं लाइट को सन लाइट को द रूट्स ऑफ प्लांट ग्रो डाउनवर्ड अभी हमने पीछे भी पढ़ा है कि रूट्स ऑफ प्लांट्स जो हैं वो हमेशा डाउनवर्ड ग्रो करते हैं टू फाइंड सोयल एंड वाटर वहाँ से वो पानी और खुराक जो है वो फाइंड आउट करते हैं सम फ्लावर्स ओपन अप इन द डे नाइट कुछ ऐसे फूल हैं जो कि डे नाइट में यानी डे लाइट में खिलते हैं यानी सुबह को खिलते हैं एंड क्लोज एट नाइट और शाम को वो अपना फेस जो है वो क्लोज कर लेते हैं ठीक है इसी तरह हमारे पास है इसकी ग्रोथ है आर लिविंग थिंगस ग्रो अप टू बी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स कह रहा है कि तमाम जिंदा जानदार चीज़ें जो हैं वो जिस तरह उनके पेरेंट्स होते हैं ऐसे सिमिलर जो है वो ग्रो करते हैं इन एनिमल्स टाइम्स द यंग वंस डू नॉट रिजेंबल देयर पेरेंट्स कह रहा है एनिमल्स में ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो यंग वंस होते हैं यानी जो तो छोटे जानवर होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ उनकी रिजेंबलेंस नहीं होती वेन दे आर बोर्न जो वो पैदा होते हैं हो एवर एज दे ग्रो लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं दे बिगन रिजेंबलिंग देर पेरेंट्स मोर एंड मोर वो अपने पेरेंट्स बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते जाते हैं इन आल केसेज द यंग ग्रो अप टू हैव द सेम अ वेरी सिमिलर फीचर एज देयर पेरेंट्स और जब वो बिल्कुल यंग ग्रो कर जाते हैं तो वो बिल्कुल उनके फीचर्स ऐसे होते हैं जैसे उनके पेरेंट्स के होते हैं वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स वो चाहे प्लांट्स हों हो. या एनिमल्स हों जिस इज नाउन एज इनहेरिटेंस और करेक्टर ऑफ हेरिडिटी ये इनहेरिटेंस यानी वरासत कहते हैं इसको और जो है वो हेरिडिटी यानी इसकी वरासती अलामत भी है आर लिविंग थिंग्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप शेयर सिमिलर फीचर्स एंड करेक्टरिटिक्स फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं यानी जिंदा जानदार जितनी भी चीजें हैं उनके जो फीचर्स होते हैं उनकी कुछ टाइप जो हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं जैसा हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल आर डॉग्स आर सिमिलर टू ईच अदर तमाम जो डॉग्स हैं यानी जो डॉग्स की तमाम इकसाम हैं, वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। उसके बाद है हमारे पास होयावर टाइप्स ऑफ डॉग डिफरेंट फ्राम ईच अदर इन फीचर सच एज लेंथ लेकिन वो कह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ डॉग्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं जैसा हमारे पास है फिशल है फीचर्स हैं और साइज हैं उनकी लेंथ है एडसेट्रा ये तमाम जो हैं वो उनसे हमारे पास जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं डॉग्स की एग्जाम तो बेसिकली एक जैसी ही होती हैं लेकिन इनकी जो वे ऑफ साइज़ और लेंथ और फिशल है ये डिफरेंट हो सकता है इसी तरह uh, uh, है हमारे पास फोर क्लास क्वेश्चन नंबर फोर है विच पार्ट ऑफ प्लांट ग्रो सीड ग्रो इन टू यंग प्लांट्स लेटर द स्टेम एंड द ब्रांचेज ग्रो टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ ये लाइफ साइकिल वाली रीडिंग हम नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की रीडिंग कर चुके हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्केलेटन एंड एक्सो स्केलेटन जिसमें हम स्केलेटन और एग्ज स्केलेटन के बारे में पिछले चैप्टर सॉरी इसमें लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं इट इज़ द इनर फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इट इज़ द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी इट गिव्स शेप टू द बॉडी एंड हेल्प इन मूवमेंट और एग्जांपल जैसे रैबिट्स और ह्यूमंस हैं इट प्रोटेक्ट द एनिमल बॉडी फ्राम द डैमेज एंड हेल्प द मूव जैसे बग्स एंड कॉकरोचेज हैं ठीक है और है हमारे पास यहाँ पर uh, क्वेश्चंस हैं जिनको आप लर्न करेंगे और यहाँ पे जो है वो कुछ मीनिंग्स हैं जैसे रिजाम्बल है मुशाबत इनहेरिटेंस कहते हैं वरासत को फीचर्स कहते हैं खसूसियात को ये जो है वो थ्री आप मीनिंग्स लर्न करेंगे और अगर आपको बेटा किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं थैंक यू सो मच